नमस्कार, मैं विपिन चौधरी और आप देख रहे हैं बीएचबीसी न्यूज़। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को साथ आने का न्योता दिया है। इसके लिए चंद्रशेखर ने मायावती को पत्र लिखा है। मायावती को लिखे पत्र में चंद्रशेखर ने कहा है, बीजेपी के कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं और आरक्षण को समाप्त करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, इसलिए बीजेपी को शिकस्त देने के साथ आना जरूरी है। पर सवाल यह है कि क्या मायावती चंद्रशेखर के पत्र का सकारात्मक जवाब देंगी? ऐसा इसलिए क्योंकि कई मौकों पर मायावती ने चंद्रशेखर को बीजेपी की कठपुतली बताया है और उन्होंने हमेशा दूरी बनाकर रखी है। पर इससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता, राजनीति की विसात पर बिछाए गए मोहरे कब किसके पक्ष में अपनी चाल बदल दें, कह पाना मुश्किल है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सियासत की बिसात पर बिछाए गए हर मोहरे का अपना एक अलग ही लक्ष्य होता है, तभी तो बिछाए गए मोहरे से राजनीतिक फायदे की उम्मीद की जाती है। यह अलग बात है कि कई बार इसके विपरीत परिणाम भी निकलकर सामने आ जाते हैं। इसे समझने के लिए देश की सियासत का केंद्र माने जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की न सिर्फ सियासी जमीन को समझने की जरूरत है, बल्कि इस राज्य को अपना आधार बनाकर राज्य से लेकर केंद्र की सियासत पर विराजमान होने का सपना देखने वाली राजनीतिक पार्टियों या राजनीतिज्ञों की राजनीतिक पकड़ को भी समझने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो राजनीतिक दल जो कभी सत्ता के शिखर पर विराजमान थी, आज उसे अपने अस्तित्व की चिंता सताए जा रही है। तभी तो उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व रखने वाली बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की स्थिति राजनीतिक बिसात पर रखे उस मोहरे की तरह है, जिसे जीत से ज्यादा हार जाने का डर सता रहा होता है। यही वजह है कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। मतलब साफ है, चंद्रशेखर को यह एहसास है कि यही वो वक्त है जब मायावती को उस प्लेटफॉर्म पर लाया जाए जिसे तैयार करने की उन्होंने लगातार कोशिशें जारी रखी हैं। इसी के मद्देनजर चंद्रशेखर ने मायावती को साथ लाने के लिए उन्हें एक पत्र भी लिखा है, जिसमें वो राज्य और देश की दलित राजनीति का जिक्र या फिक्र करते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस पत्र के माध्यम से भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद मायावती को समझाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ा जाए तो जीत मुमकिन है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने मायावती को काशीराम की टीम का कोर मेंबर बताते हुए बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने की भी दुहाई दी है। चंद्रशेखर ने पत्र के जरिए ये भी समझाने की कोशिश की है कि देश में मौजूद समस्याओं का समाधान सिर्फ बहुजन समाज के पास है। हालांकि चंद्रशेखर जब देश में मौजूद समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं तो इस मौके पर वो ये भी कहना नहीं भूलते हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में बहुजन समाज पर अत्याचार बढ़े हैं और आरक्षण पर हमले की कोशिशें भी की जा रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर क्यों चंद्रशेखर को अचानक से मायावती की याद आई? आखिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि आपसी मतभेद को भुलाकर एक साथ बीजेपी से मुकाबला किया जाए? साथ में इस सवाल को भी नकारा नहीं जा सकता है कि क्या चंद्रशेखर सिर्फ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मायावती को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं या इसे पूरे देश में बहुजन राजनीति का केंद्र बनाए जाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। इन तमाम सवालों से बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर के इस पत्र का जवाब मायावती किस रूप में देती हैं या फिर देती हैं भी या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मायावती ने चंद्रशेखर आजाद के उभार को अपने लिए खतरे के तौर पर ही देखा है। यहां तक कि मायावती कई मौकों पर यह भी कह चुकी हैं कि चंद्रशेखर बीजेपी की कठपुतली हैं और वो दलितों को गुमराह कर रहे हैं, इसीलिए दलित राजनीति की मजबूती की उम्मीद पाले लोगों को चंद्रशेखर के जरिए बढ़ाए गए दोस्ती के हाथ में उम्मीद कम आशंका ज्यादा दिखाई दे रही है। और अगर ये कहा जाए कि आशंका एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से दिखाई दे रही है तो गलत नहीं होगा। हालांकि अभी इस तरह का आरोप कम से कम चंद्रशेखर पर नहीं लगाया जा सकता है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद इससे पहले भी मायावती की तरफ न सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान होने की बात कहते भी नजर आ चुके हैं। बावजूद इसके मायावती की तरफ से चंद्रशेखर को कभी सकारात्मक जवाब नहीं मिला, पर अब तस्वीर का रुख बदल सकता है क्योंकि इस वक्त बीएसपी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और ऐसे में मायावती के सामने पहले के मुकाबले कम विकल्प बसता दिखाई दे रहा है। फिर भी इस मुद्दे पर दो राहे पर खड़ी बीएसपी एक बार फिर असमंजस की स्थिति में नजर आए तो हैरत नहीं होनी चाहिए। ऐसे में इन तमाम पहलुओं के मद्देनजर इसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि जिसे अपने राजनीतिक अस्तित्व की चिंता हो उसे या तो तमाम दरवाजे बंद नजर आते हैं या फिर तमाम दरवाजे खुले नजर आते हैं। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि इन परिस्थितियों से गुजर रही राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिज्ञों की नजर कहां और कैसे पड़ती है।
इसीलिए अब सिर्फ इस बात का इंतजार होना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद की तरफ से बढ़ाए गए हाथ को मायावती वाकई दोस्ती का हाथ मानती हैं या फिर इसे राजनीति के उसी मोहरे के तौर पर देखती हैं जिसमें जीत से ज्यादा हार जाने का डर सता रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएचबीसी न्यूज। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें बीएचबीसी न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।